मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपने चैनल के माध्यम से सिंह राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंह राशि के लोग अपने क्रोध पर काबू करें, चिड़चिड़ापन झल्लाहट अपने अंदर मत आने दें, क्योंकि अगर आप अपने क्रोध पर काबू नहीं रखेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा और आप अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों अपने क्रोध को काबू में रखें। सिंह राशि के लोग तो धीरे धीरे आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, क्योंकि चंद्र राशि से नौवें स्थान में आपके बृहस्पति विराजमान है सिंह राशि के, इसलिए आपका कोई कार्य बहुत बड़ा बन सकता है और धीरे धीरे ही सही आपके लिए कार्य आपके पक्ष में पूर्ण होगा, आप कार्य को हासिल कर पाएंगे अगर अपने क्रोध पर काबू रखते हैं तो। आपका मस्तिष्क सही जगह काम करेगा और दोस्तों पारिवारिक सामंजस्यता बढ़ जाएगी, आपके अंदर नई सोच जागृत होगा, तभी आपके कारोबारों में उन्नति होगी, आपको लाभ मिलेगा और आपके घर आंगन में खुशियां आएंगी। शनि देव महाराज सातवें स्थान में कर्क राशि के विराजमान हैं, इसलिए धन लक्ष्मी की कृपा भी कराएंगे, नौकरी व्यवसाय में आपके वृद्धि लाएंगे, रुके अधूरे कार्य शनि देव महाराज पूर्ण करेंगे। सिंह राशि के भाग्य में विशेष परिवर्तन होगा, आपके घर आंगन में खुशियां ही खुशियां लौट आएंगी। सिंह राशि के लोगों के लिए ज्यादा घूमना फिरना सही नहीं है और आपके मित्रों के द्वारा आपको लाभ मिलेगा, आपके मित्र आपका साथ देंगे, आपको सही रास्ता का चुनाव करना होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज और बृहस्पति महाराज सिंह राशि के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। 2024 लकी साबित होगा और दोस्तों जमीन जैसे संबंधित कोई कार्य बन सकते हैं, अचानक कहीं से बृहस्पति देव धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। आप जो चिंता में पड़े हुए थे, चिंता मुक्त होने का समय आ गया है और आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर भी आएंगे। आपका रुका अधूरा कार्य पूर्ण होगा और दोस्तों आपके लव लाइफ भी बड़ा अच्छा चलेंगे, आपके पारिवारिक सामंजस्य अच्छा चलेगा, जो आपके बात को लोग नहीं मानते थे, तजब्बू नहीं देते थे, वह भी लोग आपके शरण में आएंगे और आपकी बात को मानेंगे, आपको सही रास्ता मिलने लग जाएगा, लोगों में सम्मान बढ़ जाएगा। सिंह राशि के लोगों के लिए 2024 लकी साबित होगा, क्योंकि शनि देव महाराज बृहस्पति देव महाराज बहुत बड़ा लाभ करने जा रहे हैं, आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर भी आ सकते हैं, सुख सुविधा की प्राप्ति भी आपको होगी। लेकिन दोस्तों भिखारी को भोजन कराएं, बेवा स्त्री को अगर वस्त्र दान करते हैं सिंह राशि के लोग तो उनके जीवन में चार चांद लग जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा,
शनि देव महाराज और राहु केतु महाराज भी आपके ऊपर कृपा बना देंगे तो समझ लीजिए कि आप राजा बन जाएंगे। शनि देव महाराज जिसके ऊपर कृपा करते हैं राजा बना देते हैं, और जिसके ऊपर नाराज हो जाते हैं तो कटोरा लेकर भीख भी मंगा देते हैं। इसलिए दोस्तों शनि देव महाराज का स्मरण करते रहें, शनि चालीसा पढ़ते रहें, सुंदर कांड का पाठ अगर करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की होगी, आपका तरक्की होगा, लोगों में सम्मान मिलेगा, इष्ट मित्रों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और आपके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगा, नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे और आपके परिवार में खुशहाली आएगी। जय सियाराम, जय माता।